छत्तीसगढ़ के कवर्धा मामले का विरोध करते हुए बीजेपी के सांसद और विधायक मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान मौजूद पुलिस ने सिविल लाइन पुलिस थाना के सामने सभी को रोक लिया और उनकी गिरफ्तारी की गई। बता दें, कवर्धा मामले को लेकर शुरू से ही बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की मांग है कि कवर्धा मामले की न्यायिक जांच होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने से एमकेएन संवाददाता हिमांशु पटेल ने खास बात किया, ये सुनते हैं क्या कुछ कहा पूर्व सीएम रमन सिंह ने। छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर, न्यायिक जांच की मांग को लेकर लगातार जिस प्रकार से भाजपा है छत्तीसगढ़ में अलग अलग राजधानी में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही है, वहीं आज मामले को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश में न्यायिक जांच की मांग को कर भाजपा है वो दिग्गज आज सीएम आज घेराव करने लगे। सर, किस प्रकार के कार्यक्रम है आज हम मांग कर रहे हैं? न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार गुंगी और बहरी सरकार है, एट्रोसिटी लगा रही है, 70 लोगों को जेल में ठूस दिया गया, झूठे मामले किए जा रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हो, केस वापस हो और न्यायिक जांच हो इस मामले को लेकर। क्या लगता है सर, सरकार की तानाशाही रवैया कहीं ना कहीं नजर आ रही है? मंत्री और मुख्यमंत्री के इशारे से ये झूठे मामले लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से सीएम आज घेराव करने निकले हैं, क्या लगता है इसके आगे क्या कुछ सरकार का रुख रहेगा? विपक्ष को यहाँ भी घेरेंगे, विधानसभा में भी घेरेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए मामले को लेकर, न्यायिक जांच की मांग को लेकर भाजपा के दिग्गज है वो आज सीएम हाउस का घेराव करने निकले हैं, हालांकि पुलिस के द्वारा आगे इसे बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा। तमाम जो लगातार जिस प्रकार से भाजपा है मुद्दों को लेकर उठाते आई है, वही जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम इस पर लड़ेंगे, देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार का विपक्ष क्या कुछ रुख रहेगा। एमके न्यूज के लिए छन्नू साहू के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।